नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारी इस वीडियो में। दोस्तों, अगर आप लोग गांव में रह रहे हो या जंगल एरियाज़ में रह रहे हो, या आपके पास छोटी दुकान है, आप चाह रहे हो कि हमारे पास लाइट हो, खुद का सिस्टम हो, और वो भी बेस्ट प्राइस में, बेस्ट सोलर सिस्टम, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखें। ये देख सकते हो, ये घर बना रखा है जंगल जैसे एरिया में, और यहाँ पे लाइट तो है, मगर क्या होता है, आंधी तूफान आता है तो हफ्तों तक लाइट गुल रहती है। वैसे यहाँ पे भी लाइट एक हफ्ते से नहीं आ रही है, और ये देख सकते हो घर कुछ इस तरीके से बना हुआ है। और यहाँ पे दोस्तों मुर्गी पालन भी कर रखा है इन्होंने, जो कि सरकार द्वारा दिया गया है। और ये देखिए, पहले से यहाँ पे स्ट्रीट लाइट लगा हुआ है सिर्फ रोशनी के लिए, मगर रूम के अंदर कैसे लाइट जलाएंगे, फैन चलाना है, तो उसके लिए इन्होंने मंगाया एक छोटा सिस्टम। एक ही रूम यहाँ बना है, यहाँ झोपड़ी है, और ये है वो सोलर सिस्टम। तो आपके सामने दिख रही है वायर, तो यहाँ पे वायर यूज़ करेंगे, और ये 150 Ah की बैटरी है जो यहाँ पे लगाएंगे, क्योंकि ये 150 Ah की बैटरी से जो आपको जो बैकअप मिलने वाला है यहाँ पे, अगर आप एक पंखा चलाओगे तो 4 साढ़े 4 घंटे का आपको बड़े आराम से बैकअप मिलेगा, सिर्फ एक बैटरी 150 Ah की बैटरी से, सॉरी 40 Ah की बैटरी है ये, 150 की नहीं है। और ये देख सकते हो यहाँ पे इसको हमने ओपन कर लिया है। और बात करूँ इसके ब्रांड की, तो जन सोलर का ब्रांड है जन सोलर, और 40 Ah की बैटरी है, JR40Ah है। और ये देखिए इसके फीचर्स, तो ये 60 मंथ की इसकी वारंटी है, और ये सोलर के लिए बनी है, अल्ट्रा लो मेंटेनेंस है, और इसकी लाइफ अच्छी है, लाइफ बढ़िया है इसकी, और काफ़ी सारे फीचर्स हैं। ट्यूबलर बैटरी है ये, तो इसको हम ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद देखने में कुछ इस तरीके से, इसकी जो पैकिंग की बात करूँ तो पैकिंग काफ़ी अच्छी तरीके से करके भेजा है कंपनी ने, तो बॉक्स को हमने रख दिया साइड में। और ये देख सकते हो यहाँ पे, ये इसके साथ निकला है यूज़र मैनुअल, कुछ लेबल पाइप। तो हम क्या करते हैं, कुछ लेबल इसमें लगा देते हैं, क्योंकि यहाँ पे सिस्टम को लगाना है। अभी इन्होंने सोलर स्टैंड नहीं मंगाया है, कुछ एक पैनल मंगाया है, इन्वर्टर और बैटरी, बाकी धीरे धीरे करके ये सामान को मंगा लेंगे। तो इसको देख सकते हो साइड में रख दिया मैंने पॉलिथीन। यहाँ पे देखिए बैटरी पे भी लिखा हुआ है, बैटरी के फीचर्स लिखे हुए, सारा कुछ इसमें है। 12 वोल्ट की है, 40 Ah की है, तो मैं इसको रखता हूँ साइड में, यहाँ पे साइड में रख देता हूँ अभी। और उसके बाद हम जो बाकी का सामान आया है उसको ओपन करके देखते हैं और क्या क्या है। तो ये है सोलर पैनल, तो सोलर पैनल को हम खोल लेते हैं। यहाँ पे इस बैटरी को चार्ज करने के लिए हमारा ये वाला एक सोलर पैनल बहुत है। अगर आपको 40 Ah की बैटरी को चार्ज करना है, तो यहाँ पे ये एक पैनल लगा के आप चार्ज कर सकते हो। तो ये जो पैनल है वो भी जन सोलर का है, तो इसको भी हमने ओपन कर लिया। इसकी बात करूँ ट्रांसपोर्ट की, पैकिंग की, तो बहुत ही बढ़िया तरीके से भेजा गया है। ये देखिए यहाँ पे जन सोलर का पैनल है, इंडिया नंबर वन, और 25 साल की वारंटी देती है। और ये इसके काफ़ी सारे फीचर्स हैं पैनल के, आपको पता है। और ये कोई पॉली पैनल नहीं है, मोनो पैनल है ये भी, तो हम इसको ओपन कर लेते हैं। पैकिंग साइट से खोलने का दिया गया है, तो खोलने के बाद देखिए सामने से कुछ इस तरीके से दिख रहा है, ये देखिए। तो हमने बॉक्स में से पैनल को निकाल लिया है, और निकालने के बाद हम इस वीडियो में आपको पूरा इंस्टॉलेशन करके दिखाएंगे, कैसे क्या लोड चलेगा वो भी दिखाएंगे। तो देखिए सामने सामने से किस तरीके से दिख रहा है आपको, जो उसका बैक साइड है वो देखिए। यहाँ पे 2 लीडे हैं, बट उसके अंदर MC4 कनेक्टर नहीं दिया है कंपनी ने। और ये देखिए यहाँ पे इसका वारंटी कार्ड है, और ये है ब्रांडिंग, जन सोलर की ब्रांडिंग है, और यह है इसका टेक्निकल स्टिकर। तो ये जो पैनल है वो है 180 वाट का पैनल है, 180 वाट का पैनल है। तो 180 वाट का एक पैनल से आपकी 40 Ah की बैटरी आराम से चार्ज हो जाएगी। और ये कंपनी का पैनल देखिए, अंदर से ग्लास के अंदर ब्रांडिंग हो रखी है जन सोलर की, और सामने से देखने में कुछ इस तरीके से है, तो हम इसको रख देते हैं साइड में। तो ये हमारा ओपन हो गया है, और इसके बाद में बारी आती है बैटरी की, सॉरी बैटरी की नहीं, इन्वर्टर की। तो ये है इन्वर्टर, इन्वर्टर जो है वो 1100 VA का इन्वर्टर है। इस पे हम 180 सॉरी 150 Ah की बैटरी लगा सकते हैं। और ये देखिए सोलर इन्वर्टर है, 2 साल की इसकी वारंटी है, और जन सोलर कंपनी का है, पूरा LED डिस्प्ले के साथ है।
ये देखिए इसके सारे फीचर्स हैं, आप देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे, ये इतने सारे फीचर्स हैं इसके। तो हम इसको लगाते हैं, और अधिक जानकारी अगर लेनी है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से इसकी जानकारी ले सकते हो। अगर आपको ख़रीदना है तो आप उसी वेबसाइट से ख़रीद सकते हो। और हाँ, एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप ये प्रोडक्ट ख़रीदोगे मेरे लिंक के थ्रू, अगर आप कूपन कोड यूज़ करोगे तो आपको मिलेगा 12% का डिस्काउंट। कूपन कोड है खालसा। तो ये देख सकते हो दोस्तों, इस इन्वर्टर के साथ मिला है हमारे को, फ्यूज़ मिला है, यूज़र मैनुअल मिला है, और ये पूरा है इन्वर्टर। ये जो इन्वर्टर है वो 1100 VA का इन्वर्टर है। तो हम इसको भी ओपन कर लेते हैं। तो मैंने आपको बता दिया, अगर आपको प्रोडक्ट ख़रीदना है तो अगर आप हमारा कूपन कोड यूज़ करोगे आपको 12% का डिस्काउंट मिलेगा, और कूपन कोड वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, आप वहां से देख लेना। तो हमने सभी चीज़ों को ओपन कर लिया है। ओपन करने के बाद हम इसको लगाते हैं, तो इसको हम यहीं पे लगाते हैं। ये देखिए बैटरी है, क्योंकि अभी जो है स्टैंड नहीं है, तो अभी यहीं पे रखने का प्लान है, ऊपर अभी रखा नहीं जाएगा, क्योंकि कोई भी चोर वोर चुरा के ले जाएगा तो रोज का अंदर बार करते रहेंगे, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो सिस्टम हम यहीं पर लगाते हैं, ये देखिए दोस्तों। तो ये है थर्माकोल के ऊपर हम रख देते हैं, और जो बैटरी है बैटरी के साथ हम कनेक्शन को कनेक्ट करते हैं, और ये है प्लग। तो इस प्लग को तो हम अभी नहीं लगाएंगे, क्योंकि लाइट तो है नहीं दोस्तों यहाँ पे। और ये है पैनल, तो जो पैनल है इस पैनल को हम रख देते हैं धूप में। धूप में रखने से पहले, क्योंकि इसमें एक चीज़ नहीं है, वो है MC4 कनेक्टर। MC4 कनेक्टर लगाना ज़रूरी है। अगर नहीं भी लगा दो तो जॉइंट अच्छी तरीके से लगाएं, सोल्डिंग का यूज़ कर लें, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। तो ये देखिए प्लस और माइनस। तो हम क्या करते हैं, हमारे पास MC4 कनेक्टर है, तो हम पहले इसमें MC4 कनेक्टर लगा के इसको पूरा पैनल बनाते हैं MC4 कनेक्टर के साथ, कि हमको जोड़ने में प्रॉब्लम ना हो बाद में। तो ये देखिए पहला हमने लगा लिया है, ये प्लस का लगा लिया है, और इसको अच्छी तरीके से टाइट करते हैं कि पानी नहीं जाए इसके अंदर। और ये है देखिए माइनस का MC4 कनेक्टर हम बना रहे हैं। अगर आपको लोगों को ये प्रोडक्ट ख़रीदना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक मैं डाल दूंगा, आप वहाँ से भी ख़रीद सकते हो, और डिस्काउंट के साथ कूपन कोड अगर आपने यूज़ कर लिया है तो डिस्काउंट आपको मिलेगा 12% का। तो काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट होते हैं कंपनी के। ये देखिए दोनों कनेक्टर तैयार हो गए। तैयार होने के बाद हम इनको रख देते हैं धूप में। तो अभी देखिए यहाँ पे हमने रख दिया है, क्योंकि ये रोज अंदर बाहर करेंगे, तो इसीलिए यहाँ पे रखा जा रहा है स्टैंड, अभी इन्होंने नहीं मंगाया। तो हम इसको लगा देते हैं। लगाने के बाद ये देखिए जो दो वायर है उसको हम जोड़ देते हैं। अगर आपकी दुकान है किसी चीज़ की और आपको 4 से 5 घंटे का बैकअप चाहिए एक फ़ैन चलाने, तो उसके लिए बेस्ट सिस्टम है। अगर आपको 8 से 9 घंटे का बैकअप चाहिए तो आप बैटरी को बढ़ा सकते हो, दो पैनल बढ़ा सकते हो, तो बहुत ही अच्छा रहेगा, और काफ़ी बेस्ट प्राइस में आपको मिल रहा है। ये जो कंपनी है जन सोलर, वो आपको बेस्ट प्राइस में देती है, और आपको जो इसके प्रोडक्ट मिलेंगे जन पल्स की वेबसाइट पे मिलेंगे। ये देखिए हमने यहाँ पे पैनल को जोड़ दिया है दोनों वायरों को, और जोड़ने के बाद एक पैनल, सिर्फ एक पैनल जो है 40 AH की बैटरी को बड़े ही आराम से चार्ज कर देती है, अगर प्रॉपर धूप मिला तो इसको। और बैकअप की बात करूँ तो आपको बैकअप ये 4 से 4.5 घंटे का मिलेगा, सिर्फ एक फ़ैन चलाओगे तब। अगर आपने ज़्यादा चलाया तो बैकअप आपको कम मिलेगा। तो ये देखिए यहाँ पे हमने प्लस और माइनस की वायरों को जोड़ दिया है, जो हमारी इन्वर्टर की थी बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया है, और कनेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखिए LED डिस्प्ले है वो जलने लगी है, और ये जो वायर है जो मेन के साथ कनेक्ट होता है उसको हम टेप लगा के साइड में कर देते हैं, क्योंकि अभी लाइट नहीं है, बाद में देखते हैं लाइट आएगी तो इसको लगाएंगे, नहीं तो ये बिना मेन के भी चलेगा बड़े आराम से, क्योंकि इनको बैकअप ज़्यादा चाहिए नहीं है। अगर आप बल्ब जलाते हो तो आपको बड़े ही आराम से 8 से 9 घंटे का रोशनी मिल जाएगा, अगर आप LED बल्ब जलाते हो। तो ये देखिए दोस्तों यहाँ पे जो सोलर की जो वायर है
इसको हम यहाँ पे लगा देते हैं, ये सोलर का कनेक्टर है, तो प्लस और माइनस इसमें लिखा हुआ है ये इन्वर्टर में। तो हम ऊपर से खोल लेते हैं इसके नट बोल्ट जो कनेक्टर में लगे हैं। तो खोलने के बाद देखिए हमारी एक वायर लग गई है जो कि माइनस की वायर है, और प्लस की वायर को भी हम लगा लेते हैं। ये है हमारी प्लस की वायर। तो जैसे ही हम वायर को लगाएंगे इसमें एक, ये देखिए वायर कुछ इस तरीके से लेके गए हैं, बाहर ये पैनल लगा हुआ है। और जैसे ही हमने वायर को लगाया, ये देखिए सोलर से चार्ज कर रहा है, यहाँ पे इंडिकेशन दिखाने लगा है कि अब ये आपका सोलर कनेक्ट हो गया है और चार्ज करना शुरू कर दिया है, बैटरी को चार्ज करना शुरू कर दिया है। और ये जो इन्वर्टर है आप दोनों तरीके से यूज़ कर सकते हो, ग्रिड के साथ भी यूज़ कर सकते हो और सोलर के साथ भी यूज़ कर सकते हो। और ये है इसका टेक्निकल स्टिकर, तो ये देखिए टेक्निकल स्टिकर है। आप इसमें सिर्फ पैनल जो लगा सकते हो वो 12 वोल्ट के ही लगा सकते हो, 40 AH। इसके अंदर जो लगा है 40 एम्पियर का चार्जिंग कंट्रोल लगा हुआ है, और 12 वोल्ट का इसमें बैटरी कनेक्ट होगा, और 26 वोल्ट तक के पैनल आप लगा सकते हो। 26 वोल्ट यानी कि 12 वोल्ट वाले पैनल आप लगा सकते हो, छोटे पैनल 180 वाट 190 वाट के पैनल लगा सकते हो। तो अब हम चेक करते हैं यहाँ पे सोलर का करंट। तो अभी देखिए दोस्तों टाइम जो है 4 बजे के आसपास है, तो 12 पॉइंट कुछ आ रहा है, तो अभी प्रॉपर नहीं, देखिए 4:13 है ना, तो इतना आ रहा है, तो अभी जो है प्रॉपर तरीके से वोल्टेज नहीं आ रहे हैं, मगर जब पीक टाइम होगा तो आराम से 22 24 26 के आसपास वोल्टेज आएंगे। ये देखिए आउटपुट हम चेक कर रहे हैं, तो आउटपुट अभी हमने आगे से इन्वर्टर को ऑन नहीं किया है, इसका जो एसी आउटपुट है वो हम चेक कर रहे हैं। तो जो एसी आउटपुट है दोस्तों ये देखिए यहाँ पे ये 219 पॉइंट कुछ दिखा रहा है, यानी कि 220 वोल्ट के आसपास दिखा रहा है। ठीक है, आउटपुट वोल्टेज भी बढ़िया आ रहा है इसका। तो अब हम क्या करते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर वायरिंग नहीं है, तो मैं आपको यहाँ पे अभी एक बार फिर से इसको सेट करना पड़ेगा। तो मैं आपको जो लोड है लोड चेक करके दिखा देता हूँ एक्सटेंशन बोर्ड की मदद से। तो ये देखिए दो वायरें मैंने लगा ली हैं, और जो कि एक्सटेंशन बोर्ड है जिससे हम फैन और लाइट को चालू करके आपको दिखाते हैं। ये देखिए दोस्तों, क्योंकि अभी कुछ सामान आना है इसके मेन के साथ कनेक्ट होगा, तो तभी ये वायर वूर आनी है, तभी ये कनेक्ट होगा पूरा प्रॉपर तरीके से। बट अभी मैं आपको लोड जो चेक करके दिखा देता हूँ, एक्सटेंशन बोर्ड हमने लगा दिया है, लगाने के बाद हम आपको चेक करके दिखाते हैं एक बल्ब और फैन को चला के दिखाते हैं। तो ये देखिए हमारा ये जो बोर्ड है इसमें हम देखते हैं कि हमारा आउटपुट एसी करंट आया है या नहीं आया इन्वर्टर से, क्योंकि यहाँ पे आ गया है, देखिए 218.2 आ रहा है, यहाँ पे आउटपुट एसी आ गया है। और आने के बाद हम ये देखिए वायर कुछ इस तरीके से गई है, मैं आपको लाइट बल्ब चेक करके दिखाता हूँ। पैनल लगा हुआ है, अंदर इन्वर्टर बैटरी लगा हुआ है, ये पूरा सिस्टम चालू है। तो हम इसको लगा देते हैं, फैन अभी मैं आपको चला के दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पे तो कुछ वायरें हैं जो अलग से हैं, ये देखिए मेरे पास वायरें हैं, ये है लाइट की भी है और फैन की भी है। तो वायरें कुछ इस तरीके से लटक रही है, इनको मैं एक्सटेंशन बोर्ड में लगा के आपको लोड चला के दिखाता हूँ। तो बात करूँ ये सिस्टम की, तो सिस्टम काफ़ी बढ़िया है। तो ये देखिए मैंने ये लाइट को लगा दिया है, ये देखिए ये बल्ब जल गया है और ये डायरेक्ट बैटरी इन्वर्टर पे चल रहा है। और अब हम आपको फ़ैन चला के दिखाते हैं, पंखे को चालू करके दिखाते हैं। ये देखिए पंखे की वायर को हमने लगा दिया है, क्योंकि टेम्परेली तरीके से वायरिंग हुआ हुआ है। तो ये देखिए दोस्तों फ़ैन चल रहा है, ये पंखा चल रहा है, बल्ब जल रहा है। तो कितना परसेंट लोड चल रहा है इन्वर्टर में उस चीज़ को मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये देखिए गर्मी लग रहा है दोस्तों थोड़ा सा, तो आराम से हम पंखे की हवा खा रहे हैं जब तक मैं आपको दिखाता हूँ कि कितना परसेंट लोड चल रहा है। तो अगर आप लोगों को ये प्रोडक्ट ख़रीदना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जनपल्स की वेबसाइट का लिंक डाल दूंगा, आप वहाँ से ख़रीद लेना। और अगर आपने हमारा कूपन कोड यूज़ किया खालसा, तो आपको 12% का डिस्काउंट मिलेगा। तो आप देरी मत कीजिए, फटाफट जाइए, अगर आपको ये प्रोडक्ट ख़रीदना है तो वेबसाइट के लिंक के थ्रू आप ख़रीद लीजिए और कूपन कोड ज़रूर यूज़ कीजिए।
तो देखिए यहाँ पे हमारा जो अभी लोड चल रहा है, एक बल्ब और एक फ़ैन, तो कितना परसेंट लोड चल रहा है यहाँ पे, ये देखिए डिस्प्ले में आपको देखने को मिलेगा। तो जो डिस्प्ले है यहाँ पे दिखा रहा है, डिस्प्ले में बैटरी का दिखा रहा है, बैटरी 11.9 वोल्ट की है। और जो डिस्प्ले है, डिस्प्ले पे दिखाएगा यहाँ पे आउटपुट एसी है 219 वोल्ट, और 80 वाट लोड चल रहा है, 80 वाट, सिर्फ 80 वाट का लोड चल रहा है।